भगवान हयग्रीव के पूजन की विधि। रुद्र ने कहा, हे ऋषिकेश, हे गदाधर, आप पुनः देवार्चन विधि को बताएं। आपके द्वारा बार बार देव पूजन विधि को सुनकर भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं हयग्रीव नाम के देव के पूजन विधान को कहता हूँ, आप सुने। उसके करने से जगत के स्वामी भगवान विष्णु अत्यंत संतुष्ट हो जाएंगे। हे शंकर, उस पूजन का मूल मंत्र हयग्रीव देव का ही वाचक है। वो परम पुण्यशाली मंत्र इस प्रकार है, ओम सौम शौम सिरसे नमः। ये प्रणव युक्त मंत्र सभी प्रकार की विद्याओं को प्रदान करने वाला है। ओम शाम हृदयाय नमः, ओम शीम सिरसे स्वाहा, ओम शूम शिखाय वशट, ओम शैम कवचाय हुम, ओम शौम नेत्रत्राय वशट, ओम हम अस्त्राय फट। इन मंत्रों से अगन्यास और करन्यास करना चाहिए। हे शंकर, वे हयग्रीव देव शंख कंद पुष्प चंद्र के सदृश श्वेत वर्ण कमलालन तंतु और रजत धातु की कांति के समान देह कांति को धारण करने वाले गौ के दुग्ध की भांति और करोड़ों सूर्य के सदृश प्रतिभासित होने वाले शंख चक्र गदा तथा पद्म को धारण किए हुए चार भुजा वाले हैं। वे सर्वव्यापी देवता मुकुट कुंडल वनमाला से सुशोभित सुदर्शन चक्र से युक्त सुंदर सुंदर कपोलों वाले पीताम्बर को धारण किए हुए हैं। सभी देवों से युक्त उन विराट देव की अपने में भावना करके अंग मंत्रों से तथा मूल मंत्र से न्यास करना चाहिए। उसके पश्चात मूल मंत्र से ही शंख पद्मादि की मंगलमयी मुद्राएं प्रदर्शित करनी चाहिए। हे शंकर, इस प्रकार मुद्राएं दिखा करके मूल मंत्र से विष्णु का ध्यान करके अर्चना करनी चाहिए। हे रुद्र, इसके बाद हयग्रीव के आसन के सन्निकट अवस्थित रहने वाले जो अन्य देव हैं उनका आवाहन करना चाहिए, यथा ओम हयग्रीवासनस्य आगच्छत् च देवताः। इस प्रकार आवाहन करके स्वास्तिक या सर्वतोभद्र मंडल के अंतर्गत उन देवों का पूजन करके द्वार पर धाता और विधाता की पूजा संपन्न करनी चाहिए। हे वृषध्वज, समस्त परिवाराय अच्युताय नमः। इस मंत्र से मंडल के मध्य में भगवान विष्णु का पूजन करके द्वार पर गंगा महादेवी तथा शंख एवं पद्म नामक निधि की पूजा करके अग्र भाग में गरुड़ तथा मध्य भाग में आधार नाम वाली शक्ति की पूजा करनी चाहिए। हे महादेव, तदनंतर पूर्व अनंत एवं पृथ्वी का पूजन करें और अग्नि कोण में धर्म, नैऋत्य कोण में ज्ञान, वायु कोण में वैराग्य तथा ईशान कोण में ऐश्वर्य का पूजन करना चाहिए। इसके बाद पूर्व दिशा में अधर्म, दक्षिण दिशा में अज्ञान, पश्चिम दिशा में अवैराग्य तथा उत्तर दिशा में अनैश्वर्य का भी पूजन करना चाहिए। इसके बाद मंडल के मध्य में सत्व, रजस तथा तमस इन तीन गुणों की पूजा करके मध्य भाग में ही कंद नाल और पद्म की विधिवत पूजा करें। तदनंतर मध्य देश में अर्क सोम और अग्निमंडल का पूजन करना चाहिए। हे वृषध्वज, विमला उत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया योगा प्रहवी सत्या ईशाना तथा अनुग्रह नामक ये शक्तियां हैं। पूर्वादि दिशाओं में पूर्व दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर में अव्यवस्थित पद्म पत्रों पर यथाक्रम ओम विमलाय नमः, ओम उत्कर्षिणी नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम क्रियाय नमः, ओम योगाय नमः इत्यादि मंत्रों से विमलादि शक्ति का पूजन करना चाहिए। कल्याणकामी व्यक्ति को चाहिए कि वे अनुग्रह नामक शक्ति की पूजा पद्म की कर्णिमा में ओम अनुग्रहाय नमः इस मंत्र से करें। इस विधि से स्नान, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य समर्पण करके देव के आसन का मंगलमय पूजन करना चाहिए। इस पूजा के पश्चात देवाधिदेव भगवान हयग्रीव देव का मंडल में आवाहन करना चाहिए। आवाहन करके समाहित होकर उनका न्यास भी करना चाहिए। न्यास करने के पश्चात देवों और
असुरों से नमस्कृत देवाधिदेव भगवान परमेश्वर हयग्रीव देव का पुनः ध्यान करना चाहिए और शंख चक्रादि मंगलमयी मुद्राएं प्रदर्शित करनी चाहिए। उसके बाद पाद्य अर्ध आचमन तथा स्नान प्रदान करें। हे वृषध्वज, उन्हें वस्त्र प्रदान करने के बाद आचमन प्रदान कर उनको सुंदर यज्ञोपवीत समर्पित करना चाहिए और उन्हें पाद अर्ध आदि प्रदान करना चाहिए। अनंतर मूल मंत्र से भैरव देव को पाद्यादि प्रदान करते हुए उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। हे शिव, इसके बाद शुभ दायिनी तथा ऐश्वर्य प्रदान करने वाली परमा देवी लक्ष्मी की पूजा करें। पूर्व दिशा में ओम शंखाय नमः कहकर शंख का, दक्षिण दिशा में ओम पद्माय नमः कहकर पद्म का, पश्चिम दिशा में ओम चक्राय नमः कहके चक्र का तथा उत्तर दिशा में ओम गदाय नमः कहकर गदा का यथाक्रम पूजन करें। इसी प्रकार पुनः पूर्व दिशा में ओम शंगाय नमः से शंख, दक्षिण दिशा में ओम मुसलाय नमः से मूसल, पश्चिम दिशा में ओम पाशाय नमः से पाश, उत्तर दिशा में ओम अंकुशाय नमः से अंकुश तथा मध्य दिशा में ओम शक्राय धनुषय नमः कहकर सरयुक्त धनुष की पूजा करनी चाहिए। हे रुद्र, पुनः पूर्व आदि चार दिशाओं में श्रीवस्त्र कौस्तुभ वनमाला और मंगलमय पीताम्बर की पूजा करके पुनः शंख चक्र गदाधारी भगवान हयग्रीव की पूजा करें। तदनंतर ओम ब्रह्मणे नमः से ब्रह्मा, ओम नारदाय नमः से नारद, ओम सिद्धाय नमः से सिद्ध, ओम गुरुभ्यो नमः से गुरु, ओम परम गुरुभ्यो नमः से परम गुरु, ओम गुरुपादुम कामभ्या नमः से गुरुपादुका की पूजा करें। तत्पश्चात ओम सवाहनाय सपरिवाराय इंद्राय नमः, ओम सवाहनाय सपरिवाराय अग्रेह नमः, ओम यामाय नमः, ओम ऋतकर्ये नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वावये नमः, ओम सोमाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अंतानाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। इन मंत्रों से पूर्व आदि दिशाओं में ऊर्ध्व दिशा पर्यंत इंद्र अग्नि आदि सभी दिग देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ओम वज्राय नमः, ओम शक्तये नमः, ओम दंडाय नमः, ओम खंडाय नमः, ओम पाशाय नमः, ओम ध्वजाय नमः, ओम गदाय नमः, ओम त्रिशूलाय नमः, ओम चक्राय नमः, ओम पद्माय नमः। इन मंत्रों से वज्र शक्ति आदि आयुधों की पूजा करें। तत्पश्चात ईशान कोण में ओम विश्वक्सेनाय नमः, इस मंत्र से विश्वक्सेन की पूजा करें। इस प्रकार अनंत की भी पूजा करें। हे वृषध्वज, भगवान हयग्रीव के मूल मंत्र से गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात उनकी प्रदक्षिणा करके नमस्कार करें और यथाशक्ति मूल मंत्र का जप कर उन्हें समर्पित कर दें। तदनंतर देवेश्वर भगवान हयग्रीव की स्तुति करनी चाहिए। सर्व विद्याधिपति अश्वशिर भगवान को नमस्कार है। विद्या स्वरूप विद्या प्रदायक उन देव के लिए बार बार नमन है। शांत स्वरूप त्रिगुणात्मक सुर तथा असुरों का निग्रह करने वाले, सभी दुष्टों का विनाश करने वाले सर्वलोकाधिपति ब्रह्म स्वरूप उन देव हयग्रीव के लिए नमस्कार है। महेश्वर के लिए भी वंदनीय, शंख चक्रधारी जगत के आदि कारण परम उदार तथा सभी प्राणियों का हित करने वाले देव के लिए नमस्कार है। त्रिगुणात्मक त्रिगुणातीत ब्रह्मा विष्णु स्वरूप जगत की सृष्टि के कर्ता संहर्ता देवेश्वर तथा सर्वव्यापक उन भगवान हयग्रीव को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके अपने हृदय कमल के मध्य शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान सर्वांग सुंदर अविनाशी महेश्वर के भी ईश देवाधिदेव परमात्मा हयग्रीव का ध्यान करना चाहिए। हे शंकर, इस प्रकार मैंने भगवान हयग्रीव की पूजा की विधि का वर्णन किया। परम भक्ति पूर्वक जो इसका पाठ करता है वो परम पद को प्राप्त होता है। गायत्री न्यास तथा संध्या विधि। श्री हरि ने कहा, हे शंकर, अब मैं गायत्री देवी के पूजन की विधि बताता हूँ, आप इसका श्रवण करें। इस गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र, देवता सविता, मस्तक ब्रह्मा और शिखा रुद्र हैं। ये विष्णु के हृदय में रहने वाली है। ये विनियोग काल में एक नेत्रा है। इनका प्रादुर्भाव कात्यायन गोत्र में हुआ है। तीनों लोग इनके चरण हैं तथा ये पृथ्वी की कोख में स्थित रहती हैं।
गायत्री देवी के स्वरूप को इस प्रकार जानकर 12 लाख जप करना चाहिए। इस मंत्र के त्रिपाद तथा चतुष्पाद अर्थात तीन चरण तथा चार चरण होते हैं। त्रिपाद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर तथा चतुष्पाद के प्रत्येक चरण में 6 अक्षर होते हैं। जप में त्रिपदा और पूजन में चतुष्पदा गायत्री के मंत्र का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। जप, ध्यान, यज्ञादि कृत्य एवं पूजन के कार्यों में नित्य सर्व पाप विनाशिनी गायत्री देवी का विधिवत अपने अंगों में न्यास करना चाहिए। पैर के अंगुष्ठ भाग में, गुल्फ के मध्य भाग में, दोनों जंगाओं, दोनों जानुओं, अरुभाग, गुम्य स्थान, अंडकोश, नाड़ी, नाभि, शरीर के उदर भाग, दोनों स्तन, हृदय, कंठ, ओष्ठ, मुख, तालु, दोनों स्कंध प्रदेश, दोनों नेत्र और भौंओं तथा मस्तक में इस गायत्री मंत्र का न्यास करके क्रमशः पूर्व, दक्षिण, उत्तर तथा पश्चिम दिशा में इसका न्यास करना चाहिए। हे रुद्र, इन गायत्री देवी के मंत्र के वर्णों को कह रहा हूँ। क्रमशः इसके 24 अक्षर इंद्र नीलमणि, अग्नि सदृश, पीत, श्याम, कपिल वर्ण, श्वेत, विद्युत प्रभ, भौतिक वर्ण, कृष्ण, रक्त, श्याम, शुक्ल, पीत, श्वेत, पद्मराग तुल्य, शंख वर्ण, पांडु रक्त, आसव के समान, रक्त कृष्ण मिश्रित, सूर्य सदृश सौम्य, श्वेत, शंख की आभा के समान तथा श्वेत हैं। गायत्री देवी के मंत्र का जप करके मनुष्य जिन जिन वस्तुओं को हाथ से स्पर्श करता है और नेत्रों से जिनका जिनका अवलोकन करता है वे सभी पवित्र हो जाते हैं। गायत्री से श्रेष्ठ दूसरा कोई मंत्र नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, अब पाप विनाशिनी संध्या की विधि का वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप सुने। 3 बार प्राणायाम करके संध्या स्नान का उपक्रम करें। प्राणवायु को संयत कर प्रणव मंत्र, ओमकार तथा सप्त व्याहृति से युक्त गायत्री मंत्र का इस गायत्री सिर के साथ 3 बार उच्चारण करने को प्राणायाम कहते हैं। द्विज प्राणायामों के द्वारा मानसिक, वाचिक तथा कायिक दोषों को भस्म कर लेता है। इसलिए यथाविधि, यथानियत सभी कालों में प्राणायाम परायण होना चाहिए। प्रातः सूर्यश्च इस मंत्र के द्वारा, मध्यान्ह में आपः परंतु इस मंत्र से तथा सायंकाल अग्निश्च मा मनयंश्च इस मंत्र के द्वारा यथाविधि आचमन करके प्रणव मंत्र से युक्त आपोहिम इस ऋषा से कुशोदक के द्वारा मार्जन करते हुए प्रत्येक पद पर जल सिर पर छिड़के। रजोगुण से उत्पन्न होने वाले पाप, तपोगुण और अज्ञानजन्य पाप, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति की स्थिति में होने वाले पाप तथा कायिक, वाचिक एवं मानसिक ये 9 पाप इन 9 मंत्रों से भस्म हो जाते हैं। दाहिने हाथ में जल लेकर उसे द्रुपदा मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित कर सिर पर छोड़ दें। अघमर्षण मंत्र की 3, 6, 8 अथवा 12 आवृत्ति करके अघमर्षण करें। तत्पश्चात अदूत्यम तथा चित्रम इन मंत्रों से सूर्योपस्थान करना चाहिए। इससे दिन तथा रात्रि में किए गए समस्त पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल की संध्या खड़े होकर तथा मध्यान्ह एवं संध्या काल की संध्या बैठकर करनी चाहिए। प्रणव, ओंकार और महाव्याहृतियों अर्थात भू, भुवः, स्व से संयुक्त करके गायत्री मंत्र का 10 बार जप करने से इस जन्म के पाप 100 बार जप करने पर पूर्व जन्म के पाप तथा 1000 बार जप करने पर 3 युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल में गायत्री रक्त वर्णा, मध्य काल में सावित्री शुक्ल वर्णा और संध्या काल में सरस्वती कृष्ण वर्णा कही गई है। गायत्री मंत्र की प्रथम विहारति भू का ओम भू हृदयाय नमः से हृदय में, द्वितीय व्याहृति का भुवः का ओम भुवः सिर से स्व
स्वाहा से सिर में तथा तृतीय विहार्ति का स्व ओम स्व शिखाए वशट से शिखा में न्यास करें। गायत्री मंत्र के प्रथम पाद का कवच में, द्वितीय पाद का नेत्रों में तथा तृतीय पाद का अस्त्र में तथा चतुर्पाद का सर्वांग में न्यास करें। संध्याओं के समय इस कथित विधि से न्यास करके वेद माता गायत्री का जप करने वाले का सब प्रकार से कल्याण होता है। प्राणायाम के अनंतर सभी अंगों में न्यास करें। त्रिपदा गायत्री ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूपा है। इसके ऋषि छंद और विनियोग को भली भांति जानकर जप करना चाहिए। ऐसा करने से साधक सभी पापों से विमुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। ये गायत्री का तुरीय पाद कहा जाता है। जो व्यक्ति संध्योपाजन नहीं करता है उसको सूर्यदेव विनिष्ट कर देते हैं। तुरीय पाद के ऋषि निर्मल तथा छंद गायत्री एवं देवता परमात्मा है। जो मनुष्य योग और मोक्ष को प्रदान करने वाली परम श्रेष्ठा देवी गायत्री का जप करता है उनके महान से महान पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातः मध्यान एवं सायं ये तीनों संध्याओं में 1008 या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी हो जाता है।